गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फोर्थ में सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश में नया लेसन है, क्या है लेसन का नाम? द गिविंग ट्री। तुम लोग इंग्लिश का टेक्स्ट बुक निकाल के उसका पेज नंबर 121 खोलेंगे तो ये लेसन मिलेगा। हाउ डू यू फील वेन यू हेल्प समवन, मतलब तुम दूसरे को मदद करेगा तो तुम कैसे महसूस करता है। हाउ डू यू फील वेन यू शेयर यूर थिंग्स विथ अदर, तुम तुम्हारा चीज दूसरे के साथ शेयर करेगा तो तुमको कैसे लगेगा। रीड दिस प्ले टू नो हाउ ए ट्री फील वेन इट्स हेल्प्स ए बॉय। ये कौन सा कहानी है? एक ट्री है, वो एक लड़का को मदद करता है, उसके बारे में का ये है। नैरेटर, नैरेटर बोलेंगे तो ये कौन कहानी बता रहा है उसको नैरेटर बोलते हैं। वंस देयर वॉज ए ट्री एंड इट लव्ड ए लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। मतलब एक लड़का था एक समय पे, वो लड़का को एक ट्री और एक लड़का था, वो लड़का को वो ट्री बहुत पसंद करता था और वो लड़का रोज वो पेड़ के पास में आता था, आके उसके साथ बैठ के मजा लेता था। अभी देखो ट्री है। कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। वो पेड़ क्या बोल रहा है? आ जाओ बेटा, आ जाओ लड़के, इधर आके मेरे ऊपर, मेरा पेड़ पे चढ़ के उसका ब्रांचेस में तुम झूला झूलो, ऐसा बता रहा है लड़का। देखो स्विमिंग फ्रॉम ब्रांचेस, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस है, वो क्या झूला झूल रहा है। आ व्हाट अ फन, कितना मजा आ रहा है। अभी आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। पेड़ ने पूछ रहा है उससे, तुमको भूख लग रहा है क्या, मेरा एप्पल खा लो। लड़का खा रहा है। हाउ डिलीशियस, कितना अच्छा लग रहा है। वेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड, बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे। कैसे वो लड़का एप्पल का या तो उसको नींद आ गया, वो थक गया तो उसका वो झाड़ के नीचे उसका छाये पे सो गया। अभी उसी में भी वो ट्री बहुत खुश हो जाता है, हाँ ये लड़का ने मेरा छाये पे नीचे सोया है। लेकिन दिन ऐसा ही निकलते गया, वो लड़का के खेलते गया, दिन जाते जाते वो लड़का बड़ा हो गया, अभी वो यहाँ पेड़ के पास आना बंद कर दिया। अभी नेक्स्ट है, द ट्री वॉज सॉफ्ट एंड अलोन। ये पेड़ हमेशा अकेले रहता था। आफ्टर सम इयर्स वन डे द बॉय गेम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। वो दिन के बाद वो लड़का वो झाड़ के पास आया तो वो लड़का को देखा तो झाड़ बहुत खुश हो गया। कम माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। अभी भी वही बोल रहे हैं, आ जाओ लड़का मेरा ब्रांचेस में तुम झूला झूलो। बॉय बोल रहा है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन, आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी। वो लड़का क्या बोल रहा है, मैं अभी बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं झूला नहीं झूल सकता हूँ, अभी मुझे थोड़ा सामान खरीदने के लिए मुझे पैसा का जरूरत है, तुम पैसा दे सकती है क्या, ऐसा पूछ रहा है। ट्री बोल रहा है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल दम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी। वो क्या बोल रहा है, सॉरी मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन मेरे पास एप्पल है, तो उसको तोड़ो, उसको लेके जाके मार्केट में बेचो, उसी में से पैसा तुम ले सकता है। द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे, द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री सुक विद जॉय। देखो वो लड़का एप्पल पूरा तोड़ के लेके गया, वो झाड़ खुश हो गया, हाँ मेरा एप्पल तो अभी वो लड़का को काम आ रहा है, ऐसा वो झाड़ खुश हो गया। लेकिन वो लड़का तोड़ के गया, उस तब से वो आया ही नहीं, फिर वापस ये पेड़ ने उदास होने लगा, ये लड़का कब आएगा करके इंतजार कर रही थी। एक दिन वो लड़का वापस आया तो वो बहुत खुश हो गए। अभी देखो ट्री क्या बोल रहा है, कम बॉय कम एंड क्लम्प अप माई ड्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। वापस वही बोल रहा है, आओ बेटा झूला झूलो, एप्पल खाओ, मजा ले लो।
लड़का बोल रहा है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी ए हाउस। वो बोल रहा है मैं अभी ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ, मेरा अभी शादी हो गया, मेरा बच्चे भी हो गए, अभी मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए, तुम दे सकता है क्या। ट्री बोल रहा है आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड ए हाउस। वो बोल रहे है कि मेरे पास घर तो नहीं है लेकिन तू मेरा ब्रांचेस काट के लेके जाओ, तू उसे अपना घर बना के रहो। So the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. वो लड़का क्या कर रहा है, वो झाड़ का पूरा branches काट के लेके जा रहा है, घर बना के उसी पे रह रहा है। The tree was very happy but the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. वापस वो लड़का ये पेड़ के पास आना बंद कर दिया, वो झाड़ वापस उदास हो गए। And when he came back after some years the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. वो बहुत दिन के बाद में, बहुत साल के बाद में वो आ रहा है, उसको देख के वापस वो पेड़ खुश हो गया। Come boy, come, what can I do for you? आ जाओ बेटा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। I am going on a business trip. I want a boat to take me अवे, कैन यू गिव मी ए बोट। बोल रहा है मैं अभी एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे एक बोट का जरूरत है, तुम मुझे बोट दे सकता है, दे सकती है क्या, ऐसा पूछ रहा है। ऑल आई हैव लेफ्ट इज ए ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक ए बोट, देन यू कैन सेल अवे। क्या बोल रहे है? अभी मेरे पास तो मेरा ट्रंक, ट्रंक बोलेंगे तो उसका थर्ड वो बचा है, उसको तू काट के लेके जा, बोट बना के इससे जाओ। वो भी काट के लेके जा रहा है। देखो द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन ए बोट, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ ए स्टंप। अभी वो उसका ये मोटा थर्ड भी, ये देखो इसको बोलते हैं ट्रंक, इसको भी वो तोड़ के लेके गया, काट के लेके गया, बोट बना के उससे वो अपना बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है। After long time the young man came back and now he was an old man but the tree recognized him. बहुत साल के बाद वो वापस आ रहा है, वो बहुत बुढ़ा हो गया, उम्र हो गया, तभी भी वो पेड़ ने उसको पहचान लिया। I am sorry friend but I have nothing left to give you, my apples are gone. वो क्या बोल रहा है, बेटा अभी सॉरी मैं तुमको कुछ दे नहीं सकता हूँ, मेरा एप्पल्स मेरे पास नहीं है। ओल्ड मैन बोल रहा है माय टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। ओल्ड मैन बोलता है मेरे पास दांत नहीं है एप्पल खाने के लिए। माय ब्रांचेस आर गॉन, यू कैनॉट स्विंग ऑन देम, मेरे पास ब्रांचेस भी नहीं है, तुम झूला झूल सकता है। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मुझे भी झूलने के लिए ताकत नहीं है। माई ट्रंक इज गॉन, यू कैनॉट क्लाइम, मेरे पास ट्रंक भी तो नहीं है, तू उसी पे चढ़ सकता है। ये बोल रहा है ओल्ड मैन आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं भी ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ। अभी नेक्स्ट देखो, आई एम सॉरी आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टंप, आई एम सॉरी। पेड़ बोल रहा है मैंने तुमको बहुत देने के लिए सोचता हूँ लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये स्तंभ बचा है, देखो ये दिया है, ये झाड़ का पेड़ काट देते तो उसका नीचे का भाग रहता ना, इसको स्टंप बोलते हैं, यही है, ऐसा बोल रहा है। ओल्ड मैन बोल रहा है देखो डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। बोल रहा है पेड़ को तुम तो मुझे बहुत कुछ दी है लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बैठ के आराम करने के लिए एक शांति से एक प्लेस चाहिए, जगह चाहिए। ट्री क्या बोल रहा है, वेल एंड ओल्ड स्टंप इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रंट सिट डाउन एंड रेस्ट। क्या बोल रहा है, ये है इधर आके तू मेरा स्तंभ में आके बैठ जाओ, इसी में तुम आराम कर सकता है। नैरेटर देखो, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, अभी वो पेड़ बहुत खुशी से रह रहे गए, भले अभी उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन उसका वो दोस्त तो उसके पास आके हमेशा बैठ के आराम करता है, यही है। इसी में से तुम लोग को क्या मालूम पड़ता है, बच्चे लोग तुम लोग भी, तुम लोग का जरूरत पड़ता है तो मम्मी पापा के पास जाते हैं, फिर जरूरत पूरा हो जाएगा उसके बाद में मम्मी पापा को अकेले छोड़ देते हैं,
यही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को कोई मदद करता है तो बाद में भी अपन वो लोग को भी मदद करना है, कम से कम वो लोग के पास जाके मिलना तो चाहिए। ये अपने को इसी में से सीखने को मिल रहा है।